और इस बीच महाराष्ट्र के सांगली में रिवर्स ऑटो रिक्शा ड्राइविंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान ड्राइवर्स ने उल्टा रिक्शा चलाया, जिसे देखने के लिए वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार से कई रिक्शे उल्टे दौड़ते नजर आए, जो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। उन रिक्शों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां धूल भी उठती नजर आई। इस दौरान वहां भारी संख्या में आए लोग इस प्रतियोगिता का आनंद लेते दिखे। तभी संतुलन बिगड़ने से एक रिक्शा पलट गया। हालांकि गनीमत यह रही कि ड्राइवर को चोट नहीं लगी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जीतने वाले को सम्मानित भी किया गया। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को वैशाली में विरोध झेलना पड़ा। तेजस्वी यादव की गाड़ी को रोक करके विरोध किया गया। वैशाली में विकास के मुद्दे को लेकर दो जगहों पर विरोध जताया गया। दरअसल तेजस्वी यादव राघोपुर में करीब 60 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस बीच पक्की सड़क की मांग को लेकर कुछ लोग सड़क पर आ गए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बाद पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाया। कुछ प्रदर्शनकारी तेजस्वी यादव से भी मिले। घोषणा कर दीजिए सर। मलिकपुर के बाद नगर गावा गांव में छात्रों के एक गुट ने तेजस्वी के काफिले को रोककर विरोध किया। छात्रों ने सड़क, डिग्री कॉलेज और स्टेडियम की मांग की। राजस्थान के पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए वो सैकड़ों छात्रों और समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर के लिए निकले, जहां पहुंचकर उन्होंने विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। लेकिन वो जयपुर की सीमा पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनके काफिले को रोक लिया। किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा से जयपुर कूच किया, पुलिस ने जयपुर के बॉर्डर पर रोक दिया। जयपुर में घुसने से रोके जाने के बाद बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शनकारियों के साथ जयपुर आगरा हाईवे पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए। एसओजी पुलिस लूट के खा रही है राजस्थान। पिछले महीने राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद से ही राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। खबर है कि जल्द मोबाइल फोन चलाने वाला भारत का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही देश के लोग इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में शुरुआती चार लेटर भारत से लिए गए और बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस लगाया गया। इसे भरोस भी कहा जा रहा है। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉल भी की। दावा यह है कि आईआईटी मद्रास का बनाया ये ऑपरेटिंग सिस्टम देश को आत्मनिर्भर ही नहीं ज्यादा सुरक्षित भी बनाएगा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक जमाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 85 गेंदों पर 101 रन बनाए, जो रोहित शर्मा के वनडे करियर का 30वां शतक है। इसी के साथ सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में उन्होंने रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली। रोहित शर्मा को इस शतक के लिए 17 पारियों का इंतजार करना पड़ा। और दरपहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इसी बीच जम्मू के बनिहाल से एक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। दरअसल सड़क पर पड़ी बर्फ पर फिसल कर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। इस हादसे में 3 लड़के घायल हुए हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।